प्रदेश में जहां किसान आंदोलन को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वहीं आज रदौर से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे श्याम सिंह राणा ने भी किसानों के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा छोड़ने की घोषणा की। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने अपने सभी पदों से त्याग पत्र देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को अपना त्याग पत्र भेजा है। हमने भारतीय जनता पार्टी के सारे पदों से और प्राइमरी सदस्य से त्याग पत्र दे दिया। क्या कारण रहे इसके? कारण इसके ये रहे क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम किसान होने के नाते से पहले किसान हैं और किसान की बात को समझते हैं, बड़ी बारीकियों को समझते हैं। ये जो व्यवस्था किसान के हित में थी उसको नुकसान पहुंचा और इस वजह से आज किसान सड़कों पे है, व्यापारी भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से ध्यान। तो आगामी क्या कुछ रणनीति आपने बनाई? आगामी कुछ दिन के बाद निर्णय लेंगे, क्योंकि निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं होता, कहीं ना कहीं बैठ के बातचीत करके अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके निर्णय। कब पार्टी आपने ज्वाइन की थी? और ये 7 जून 2007 में पार्टी माननीय मनचंदा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी को शामिल हुए थे और 13 साल तक लगातार रदौर के अंदर पार्टी का काम करके पार्टी को बहुत मजबूत किया। और पिछला जो चुनाव था हमारा लोकसभा का, उसमें पार्टी को 85,000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोट पहले बहुत कम थे। और बड़ा संघर्ष किया, पार्टी की सेवा की, लेकिन आज मजबूरी को देखते हुए पार्टी का क्या कुछ मजबूरी रही और क्या कानून मानते हैं कि सरकार किसानों के मुद्दे पर फैल रही है? देखिए, किसान मुद्दे पे तकरीबन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। अगर समाधान होता तो किसान सड़कों पे नाते, इसलिए किसान भी व्यापारी भी और दूसरे कारखाने वाले जितने हैं जो संबंधित हैं इससे पैडी से सिलर वाले भी सब आज सड़कों पे हैं, ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसको देखते हुए ये फैसला ले लिया कि किसानों के हित में हमने खड़ा होना चाहिए।